नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोकायुक्त पुलिस ने पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। लोकायुक्त को एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। टीम ने घेराबंदी की और शुक्रवार को सिपाही हरी सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। हरी सिंह ने महिला को 10,000 रुपए लेकर थाने बुलाया था। रिश्वत लेने के पूर्व महिला लोकायुक्त से संपर्क कर चुकी थी। लोकायुक्त की टीम ने थाने के आसपास जवान खड़े कर दिए और जैसे ही सिपाही ने रिश्वत की रकम हाथ में ली उसको दबोच लिया। मामले में टीआई की भूमिका भी संदिग्ध है। टीआई खुद गंभीर जांचों में घिरे हुए हैं। शीतल नगर बाणगंगा इंदौर की रहने वाली हैं रजनी जाटव। इनके पति का 2021 में बाइक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था, तो उसके बाद ये अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 4-6 महीने बाद पारिवारिक कलह शुरू हुई और ये जो है सास ससुर ने इनको अपने से अलग कर दिया और इनकी बिटिया के साथ तब ये अपनी बिटिया के साथ रहने मायके आ गई, लेकिन इनके जो सास ससुर हैं उन्होंने इनके पुत्र को नहीं दिया इनको, तो उसकी शिकायत इन्होंने माननीय कलेक्टर इंदौर के यहाँ करी। कलेक्टर इंदौर साहब ने SDM मल्हारगंज को इसकी जांच लिखी और बच्चे की कस्टडी दिलाने के कार्रवाई करने के लिए कहा। तो जब इनको कस्टडी की कार्रवाई के लिए सम्मन्स जारी हुआ तो ये बाणगंगा थाने के माध्यम से सम्मन्स की तामीली होनी थी। जब ये बाणगंगा थाने गई तो वहाँ का आरक्षक जो है इनसे जो है रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत इनके द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होकर की गई। शिकायत का सत्यापन कराया गया और जब इनको जो है वॉइस के लिए भेजा गया तो जो बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक हरी सिंह गुर्जर है वो इनसे पहले 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। बातचीत के दौरान 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेना इनका तय हुआ और आज उसी तारतम्य में ट्रैप दल का गठन किया गया और आरक्षक हरी सिंह गुर्जर को अभी 10,000 की रिश्वत लेते हुए थाना परिसर से ही रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। आरक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस प्रकार से थाना प्रभारी का कोई योगदान नहीं इसमें? थाना प्रभारी तक जब ये पहुंची थी तो उस तक चिट्ठी पहुंची नहीं है। एक्चुअल में सम्मन्स एक इनको प्रति हाथों हाथ दे दी SDM मल्हारगंज ने और दूसरी प्रति जो है वो अपने सरकारी ढंग से डाक से जानी थी, लेकिन अब चूंकि ये परेशान थी तो ये वो जो इनकी पर्सनल पति थी वो लेके पहुंची और जब थाने में गई तो इनको आरक्षक बाहर ही मिल गया हरी सिंह गुर्जर, तो उसने कहा कि ठीक है मैं तामील करा दूंगा, इसके लिए खर्चा पानी करना पड़ेगा। ये स्थिति थी और वो जब उसने बात करी तो 10,000 रुपये में इनका तय हुआ और आज हमने ट्रैप किया उसको। अभी टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।